हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो आप स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स टू के कितने मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स के सिलेबस क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स टू का। सो सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए एंड तक। कुछ भी दोस्तों कन्फ्यूज़न है, कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है तो आप वीडियो के एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स टू पे स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो मेरे आपको लेटेस्ट मिलेगी, ठीक है। दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स टू काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मार्क्स स्कोरिंग भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपको यहाँ पे मॉड्यूल शो हो रहा होगा, देखिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपको दोस्तों पढ़ना होगा आपको ओवरव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपने 12th में आपने पढ़ा था मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मैक्रो पढ़ा था आपने, ठीक है। वही आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या होगा थोड़ा डिटेल में आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर दोस्तों आपको मनी प्राइस एंड इन्फ्लेशन क्या होता है। थर्ड चैप्टर दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस। फोर्थ चैप्टर पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट। फिफ्थ चैप्टर होगा आपका दोस्तों फिस्कल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों चैप्टर कम है बट आपके सिलेबस क्या यहाँ पे ज़्यादा सिलेबस है, तो आपको अच्छे से कौन से वाइज पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों हम एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में जाते हैं और साथ साथ में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका जो ओवरव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें आपको सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़ना है, मीनिंग स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो आपको सबसे पहले ये तीनों चीज़ कवर कर लेना, क्योंकि ये बेसिक होता है, इम्पोर्टेंट मीनिंग और जो इसके इम्पोर्टेंस होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते सर्कुलर फ्लो ऑफ एग्रीगेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड इट्स इम्पोर्टेंट क्लोज एंड ओपन इकोनॉमिक्स मॉडल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम पॉइंट एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए एक मेरे इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान दीजिए, आपके जो पेपर होते हैं पेपर कॉलेज में ही फ्रेम किया जाते हैं। पहले मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रेम करती थी, मतलब कि उसको आप बोल सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम होता था, मतलब कि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी वाले पेपर सेंड करते थे वही आपका पेपर होता था। बट अब ऐसा नहीं है, हर कॉलेज का पेपर अलग होगा। जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा तो कई लोगों को ये आ सकता है, कई लोगों को नहीं आता है, आ सकते हैं, ठीक है। सो मैं श्योर नहीं रहूँगा आपको यही कंपलसरी क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर भी मुझे आपने मेरा सजेशन मैं आपको दूंगा कि मुझे ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। इस पे बेस पे हम चलेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कहा क्लोज एंड ओपन इकोनॉमिक मॉडल आपको क्या करना पढ़ लेना है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या था, देखो यहाँ पे दोस्तों द मेजरमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कन्वेंशनल एंड ग्रीन जीएनपी एंड एनएनपी कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको मीनिंग और थोड़े इम्पोर्टेंस पढ़ लेना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, ठीक है। थोड़ा बहुत ये पूछ सकता है आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है आपको। और उसके बाद दोस्तों ये जो लिखा है ग्रीन जीएनपी एनएनपी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत रीड कर लेना, ठीक है। और नेशनल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है, फिर भी आपको एक गोर आउट कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड साइकिल दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली देखा जाएगा दोस्तों 80% कॉलेजेस वाले ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसके फीचर्स या फिर फेजेस, ठीक है, ये होगा। क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स सेल ऑफ मार्केट्स फीचर्स इम्प्लीकेशन एंड क्रिटिज्म, दोस्तों ये आपको पूछ सकता है, चांसेस बहुत कम है पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड चैप्टर आपका मनी प्राइस एंड इन्फ्लेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ सीखने मिलेगी, जिससे कि मनी सप्लाई क्या होता है, उसके डिटरमिनेशन ऑफ मनी सप्लाई कैसे किया जाता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी और डिटरमिनेशन ऑफ मनी सप्लाई भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
डिमांड फॉर मनी में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको चांसेस अच्छे खासे हैं, 90% चांसेस से पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा क्लासिकल एंड केनेस अप्रोच ये पूछ सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केनेस में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ये तो पूछ सकते हैं। ठीक है, 50% पे दोस्तों, क्योंकि सम कॉलेज से पूछ सकते हैं, सम कॉलेज से नहीं पूछ सकते। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। उसके दोस्तों ये क्या है, फ्रेगमेंट्स, इसके बाद रेस्टेटमेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये आपको बहुत कम चांस लग रहा है मुझे, आपको ये नहीं पूछ सकता। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना थोड़ा बहुत बेसिकली, ठीक है आएगा तो फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मनी एंड प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कॉम्प्रेज कैश बैलेंस अप्रोच, हाँ दोस्तों कैश बैलेंस अप्रोच आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ लेना, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, ये आपको क्या करना है पढ़ लेना अच्छे से। दोस्तों जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन तो एक ना एक तो आएंगे ही एग्जाम में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन दोनों में से एक भी पूछ सकता है 5 मार्क्स शॉर्ट नोट में। ठीक है, अच्छे से लिख के आना आपको। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नेचर ऑफ इन्फ्लेशन इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेजर टू कर्व इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग, तो पूछ सकते हैं पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन नेचर, ठीक है ये भी है, इसलिए बोला इन्फ्लेशन का जो क्वेश्चन होगा आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा है कि अभी हर कॉलेजेस का क्वेश्चन अलग हो सकता है। ठीक है, तो गारंटी नहीं दे नहीं सकता, गारंटी क्या होगा। थर्ड चैप्टर में दोस्तों बढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर में दोस्तों क्या है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस में आपको मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस तो आपको पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको कहा स्टार्टिंग आपको पढ़ना है, मीनिंग आपको समझ के लेना है पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मेजर फिस्कल फंक्शन में दोस्तों अलोकेशन ऑफ फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजिंग फंक्शन, उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, डेल्टन एंड मुसग्रेव व्यूज, द प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस लिमिटेशन, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी मार्केट एंड गवर्नमेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों ये चैप्टर में से ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग तो कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं, फिर भी आपको जैसे कि मैंने कहा स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ना अलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन स्टेबलाइजेशन, ये आपको रीड कर लेना है। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी मार्केट एंड गवर्नमेंट, ये आपको पढ़ लेना है, और ये तो सेम ही हो गया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड पब्लिक गुड्स एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था पहले जब बोर्ड एग्जाम होता था उसमें पूछा हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको एक बार रीड कर लेना। तो थर्ड चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है होता। ठीक है, जो भी होगा आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको रट्टा मारने नहीं बोल रहा दोस्तों, आप आराम से पढ़िए, आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट, जो आपका फोर्थ चैप्टर होता है दोस्तों उस पर हम देखते हैं। दोस्तों फोर्थ चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ये आपको पढ़ना है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्स, जैसे कि आपको पता होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स बेस एंड रेट ऑफ टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेशन। दोस्तों टैक्स के बारे में आपको यहाँ पे पूरा अच्छे खासा बताया जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बटन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन, प्रोसेस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन में दोस्तों ऑन इनकम वेलफेयर कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पूछो, ये जो है रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंड एंटी इन्फ्लेशनरी नेचर ऑफ टैक्सेशन एंड देयर इम्प्लीकेशन, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा बहुत कुछ इश्यू नहीं है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में दोस्तों कैनॉन्स क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्शन कंजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइजिंग थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये आपको पढ़ना है। वैगनर्स हाइपोथेसिस एंड विल्समन
पीकॉक हाइपोथेसिस कॉजेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ, ये आपको उतना नहीं पढ़ना, ठीक है, इतना बोर्ड एग्जाम में आपको इतना नहीं पूछा डिटेल में, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में दोस्तों सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और लो इनकम सपोर्ट एंड सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। पब्लिक डेट में दोस्तों क्लासिफिकेशन में आपको बर्डन ऑफ डेप फाइनेंस पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इंटरनल एक्सटर्नल पब्लिक डेप फाइनेंस, ये आपको पूछेगा, ठीक है, ये आपको क्या करना है दोस्तों पढ़ लेना है, ठीक है। ये फोर्थ चैप्टर में ना दोस्तों आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके रखना, टैक्सेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या आ जाता है उसका, जैसे कि मैंने कहा कि पब्लिक डेट क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिंग भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको समझ के लेना है दोस्तों। फिफ्थ चैप्टर जो आपका आता है फिस्कल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फिस्कल पॉलिसी में आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेशन आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें से एक आगे क्वेश्चन पूछ लेगा। कॉन्ट्रा साइकल्स फिस्कल पॉलिसी एंड डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, इसमें से आपको प्रिंसिपल ऑफ साउंड एंड फंक्शनल फाइनेंस पूछ सकता है, 100% गारंटी नहीं दे रहा दोस्तों, मैं भी पूछ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 70-80% का चांसेस है इस पर, ठीक है, आपके क्वालिफिकेशंस के पे डिपेंड करता है। बजट आपको पढ़ के रखना है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स उससे क्या है ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये 90% चांसेस है दोस्तों। स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट, डेफिशिएंट कॉन्सेप्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट फिस्कल रिलेशन में दोस्तों फिस्कल फेडरलिज्म एंड फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, 14 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, दोस्तों ये तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसमें, तो आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं होता फिर भी आप एक रीड कर सकते हो, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है दोस्तों। हालांकि हम लोग का 5 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इम्पोर्टेंट भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन क्या क्या होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर क्या होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 का, ठीक है दोस्तों। 75 मार्क का आपका पेपर होगा, उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ड्यूरेशन रहेगी 2.5 घंटे का, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच, हर एक एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क कैरी करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, 75 मार्क का क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि बैफ में 75 मार्क का ही एग्ज़ाम होता है, 25 मार्क आपका क्या हो गया इंटरनल असेसमेंट होता है, 20 मार्क का इंटरनल एग्जाम होता है, 5 मार्क आपको क्लास पार्टिसिपेंट पे बेस पे मिलते हैं, ठीक है। मेरा वही पैटर्न फॉलो मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर से मैंने वीडियो डाला हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड ईयर का खत्म है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, 15 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है ये, आपको पूरा टेक्स्ट बुक को रीड करना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव पीछे दिए टेक्स्ट बुक के आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, आपके टेक्स्ट बुक में मल्टीपल चॉइस होगा, ट्रू फॉल्स होगा, मेजर कॉलम होगा, फिल इन द ब्लैंक कुछ भी हो सब पढ़ लीजिए, 15 मार्क्स चाहिए तो आप पूरा पढ़ लीजिए, 15 मार्क आपको आ गए हाथ में। अब आगे बढ़ते दोस्तों सेकेंड थर्ड फोर्थ में हमेशा आपको 15 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन पूछते दोस्तों 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आते हैं। इनकेस 15 मार्क के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, नहीं पूछते हैं, तो आपको 8 और 7 मार्क्स में आ जाएंगे क्वेश्चन, आपको 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, पूछते भी है कॉलेजेस वाले, तो 15 मार्क के लिए भी प्रिपरेशन आपको करके रखना है दोस्तों, 15 मार्क में बड़ा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था सेम फॉर्मेट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आपको 8 और 7 मार्क में आता है, आपको अटेम्प्ट करना तो अटेम्प्ट करिए, या फिर आपके पास शॉर्ट नोट भी है, शॉर्ट नोट में जाके देखते हैं हम क्या होगा। देखिए शॉर्ट नोट में दोस्तों आते हैं, शॉर्ट नोट में दोस्तों, शॉर्ट नोट में आपको 5 शॉर्ट नोट मिलता है, ठीक है, 5 शॉर्ट नोट में दोस्तों 3 शॉर्ट नोट आपको करना पड़ता है,
पांच शॉर्ट नोट देख लीजिए आप, तीनों जो तीन आपको इजी लग रहे हैं तीनों को अटेम्प्ट कर लीजिए, आपके 13 मार्क्स कहीं नहीं गए आउट ऑफ। तो आपको पता है कि थ्योरी पेपर में आउट ऑफ नहीं मिलता है, मिनिमम 12-13 मार्क्स आप पे कहीं नहीं गए। सो 12-13 मार्क्स आप निकाल सकते हो, 14 मार्क्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, अच्छा लिख के आओगे तो। कुछ भी फेकोलॉजी नहीं करना है आपको, कंटेंट टू कंटेंट आंसर आपको लिखना है, इकोनॉमिक्स में कोई भी रट्टा नहीं मानना है, समझ के आप आंसर लिख सकते हो अपने ओन वर्ड में, बट सही होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि थ्योरी क्वेश्चन जो भी होगा 15 मार्क्स में भी डिवाइडेड इनटू टू सब क्वेश्चन 7, 8 और 10 5 मार्क में भी हो सकता है। 15 मार्क का जो क्वेश्चन होगा उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए। दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, हमारा सेमेस्टर 3rd का जो था वीडियो की सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो गई है आज। अब मेरी जो आने वाली वीडियो रहेगी सेमेस्टर 4th पे रहेगी। सो अभी तक आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे कमेंट करिए डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पे डायरेक्टली। दोस्तों अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, सो जाके फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी DM कर सकते हो मुझे मैसेज, कुछ भी आपका पर्सनल डाउट होगा रिगार्डिंग अपने चैप्टर के रिगार्डिंग, और आपको कुछ भी है करियर गाइडेंस रिगार्डिंग, सो आप अपना पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक करना ना भूलिए, और आई होप आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो लेकर आते रहता हूँ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको हेल्प करेगी मेरी करती है वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।